मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, गोरखपुर से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और 7 लाख के आसपास अभी एक्टिव केस हैं। मृतों भारत के अंदर लगभग 55,000 के आसपास है। अगर प्रति 10 लाख में केस हम देखें तो 2,000 केस प्रति 10 लाख में भारत के अंदर हैं, और प्रति 10 लाख में मृत्यु देखेंगे तो यह केवल 39 मृत्यु है, 39 मृत्यु प्रति 10 लाख में है। मृत्यु दर भी भारत की 1.7 के आसपास है। लेकिन अगर हम इसी की तुलना में ब्राजील और अमेरिका के आंकड़े देखें तो अमेरिका की कुल आबादी 32,72,000 है, यानी लगभग 33 करोड़ है अमेरिका की कुल आबादी। वहाँ पे पॉजिटिव केस 58 लाख से ज़्यादा है, एक्टिव केस अभी भी वहाँ पर 25 लाख से ज़्यादा है, मृतों 1,77,000 से अधिक है। प्रति 10 लाख पे 17,000 से अधिक वहां पर केस हैं, पॉजिटिव केस हैं, और मृत्यु प्रति 10 लाख में 532 और मृत्यु दर 3.1%। ब्राजील 21 करोड़ की आबादी का देश है, वहां पर कुल पॉजिटिव केस लगभग 35 लाख से ज्यादा है, एक्टिव केस 7.5 लाख के आसपास है, मृत्यु 1,11,000 से ज्यादा है। प्रति 10 लाख पर 16,000 से अधिक पेशेंट हैं, और मृत्यु दर अगर हम देखेंगे प्रति 10 लाख पर तो 523 है, और मृत्यु दर देखेंगे 3.2% है। यानी भारत में लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से जागरूकता का जो कार्यक्रम चलाया और उसके बाद भी अवेयरनेस के कार्य, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कोरोना के जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे थे उनका जिक्र किया और नियंत्रण करने की बात की। आपको बता दें कि इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि 2 दिन दौरे पर हैं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।